हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ की पट्टी। ये खाने में तो टेस्टी लगती हैं, साथ के साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं। और अभी जल्दी ही मकर संक्रांति और लोहड़ी के फेस्टिवल आने वाले हैं और ये दोनों ही त्यौहार इन्हीं चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। साथ में हमने बनाई है रेवड़ी भी, ये भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई हैं, तो देख के आपका ज़रूर खाने का मन कर रहा होगा। तो अब देर किस चीज़ की है, आप भी अपने घर पे इनको बना के तैयार कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स हैं जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, आई होप आप सबको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के बटन के पास जो बेल का बटन है आप उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार, स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर तिल गुड़ की पट्टी बनाना। तिल गुड़ की पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भून के तैयार करेंगे। तो ये एक कटोरी मैंने तिल ले लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको भूनना है क्योंकि बहुत बारीक होता है, बहुत जल्दी नहीं तो ये जल जाएगा। और अगर ये ज़्यादा भी भून जाते हैं तिल तो फिर ये टेस्ट में कड़वे हो जाते हैं। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हमें इसको भूनना है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही लगती हैं। तिल हमारे भून गए, इनको हम साइड में अब एक प्लेट में निकाल देंगे। और जिस कटोरी से मैंने तिल लिए थे उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी गुड़ ले लिया है, 2 चम्मच इसमें भर के पानी डाल दिया है ताकि गुड़ हमारा जले नहीं और जल्दी से ये पिघल जाए। अगर हम इसको सूखा ही पकाएंगे ना तो फिर ये कई बार चिपक भी जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें गुड़ को पकाना है। गुड़ भी अगर हमारा ज़्यादा भुन गया, ज़्यादा पक गया तो फिर ये बहुत ज़्यादा कलर में डार्क हो जाएगा और फिर ये खाने में भी कड़वा लगेगा। और 2 मिनट में देखिए गुड़ पिघल भी गया है, देखिए इसमें झाग आ गए। 3-4 मिनट बाद हम चाशनी को चेक करना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप किसी भी कटोरी में ठंडा पानी भर के रख लें। और कुछ ड्रॉप आप कटोरी में इसकी डाल के चेक कर लें। यहाँ 4 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, अभी चाशनी हमारी बनी नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी गुड़ जो है ये खिंच रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें टूटने वाली कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है, जैसे गज्जक पट्टी वगैरह टूटती है ना उसी तरह से। और ये पानी वाला टेस्ट हमें 3-4 बार करना है। 6-7 मिनट में ऐसे तो ये चाशनी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर ये कच्ची रह गई ना चाशनी तो फिर ये हमारे दांतों पर चिपकेगी और पट्टी खाने में फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो एक बार दोबारा से मैं चेक कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे गुड़ देखिए इकट्ठा होना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें क्रंचीनेस नहीं आई है जो हमें पट्टी के लिए चाहिए। तो 1 मिनट इसको और पकाऊंगी और फिर एक बार फिर से टेस्ट कर लेंगे। चलाने का आपको ध्यान रखना है, गुड़ बहुत जल्दी नहीं तो नीचे चिपक के फिर इसका कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और इस टाइम पे तीसरे बार जब मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल बढ़िया से देखिए क्रंची हो चुका है, बहुत आसानी से टूट रहा है, बस इतना ही पकाना है हमने। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 चम्मच घी, इससे क्या होगा पट्टी में एक तो साइन बहुत अच्छी आ जाएगी और एक ये खाने में भी खस्ता रहेंगी। और फ्लेवर के लिए मैंने डाल दी हरी इलायची कूट के। अब जो तिल हमने भून के रखे हैं वो डाल देंगे। आप इसमें चाहें तो अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट भी काट के ऐड कर सकते हैं। गुड़ के साथ तिल को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच को घी में हम ग्रीस करके इस तरह से इसको साफ कर लेंगे ताकि सारे तिल गुड़ के साथ अच्छे से लिपट जाएं। ऊपर से मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़े से सौंफ के दाने, ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। आप चाहें तो इसको डाल लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब ये एक जो हम चपाती बनाते हैं उतने साइज़ का हम इसमें से पोर्शन निकालेंगे और पट्टी बनाना शुरू करेंगे।
पट्टी आप छोटी बड़ी मोटी पतली अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको आप जितना मर्जी चाहें पतला बेल सकते हैं। चकले को और बेलन को या आप प्लास्टिक सीट जिस पे भी पट्टी बना रहे हैं उसको आपको पहले से ही घी से ग्रीस करके रख देना है। ऊपर से थोड़े से सौंफ के दाने और डाल दिए हैं। ये देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। अब इसको हम कर देंगे साइड में और एक मैं लूँगी यहाँ पे प्लास्टिक की सीट। घी से इसको भी ग्रीस कर लेंगे और बाकी बची हुई जो हमारी पट्टी है हम इस सीट पे बनाएंगे। अभी सर्दी का टाइम है इसलिए बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं लगती, लेकिन अगर आप चाहें तो ग्लव्स की हेल्प ले सकते हैं। ग्लव्स डाल के भी आप ये बना सकते हैं। आप इस तरह से चाहें तो हाथ से बढ़ा लें, नहीं तो आप कटोरी लेके उसके निचले हिस्से पे घी लगा के उससे भी पट्टी को बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। इसको उतार के साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम दूसरी पट्टी बनाएंगे। जो पहले वाली मैंने देखी बनाई थी वो सेट भी हो गई है। इन पट्टी की खास बात यही है कि ये साथ के साथ सेट हो जाती हैं, आप इनको तुरंत खा सकते हैं। क्योंकि पतली बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इनको जमने में सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए मैं तो इस तरह से हाथ से भी इनको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अभी क्योंकि सर्दी है इसलिए इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता। देखिए कितनी बढ़िया पट्टी बन रही है। अगर आपकी फैमिली में कोई और भी मेम्बर आपके साथ है ना, तो आप ये काम और भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और गरम गरम में आप इसको जितना मर्जी चाहें बड़ा कर लें, जितना मर्जी चाहें पतला कर सकते हैं। एक बार जगह ये सेट हो गई तो फिर तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भी खाने में वैसे ही लगती हैं, बस थोड़ा सा पतला मोटे का फ़र्क हो जाता है। देखिए मज़ा आता है वैसे तो ये करने में, और घर पे हम इनको देखिए कितनी आसानी से बना सकते हैं। आप सबने देखा थोड़े से मिक्सर से हमारी कितनी सारी पट्टी बनके तैयार हो गई। मार्केट से अगर इतनी आप लेने जाएंगे ना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी आपको। बस आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। एक तो इसको आपको मिक्स को ठंडा नहीं होने देना। एक आप जिस भी जगह पे चकले पे सीट पे स्लैब पे जहाँ पे भी पट्टी बेल रहे हैं उस पे आपको पहले से ही घी से उसको ग्रीस जरूर कर लेना है, घी या तेल से जिससे भी आपको अच्छा लगे। और ये जो मिक्सर बच गया है इससे अब मैं रेवड़ी बना के तैयार करूँगी। इस सेम मिक्सर से आप रेवड़ी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अगर दो तीन जने होते हैं तो फिर हमें मदद मिल जाती है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें से निकालेंगे और इस तरह से जैसे रेवड़ी का शेप होता है वैसा इसको शेप देते जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट किसी कटोरी में तिल डाल के उसके अंदर डालेंगे तो इस पर एक तिल की अच्छी सी कोटिंग भी हो जाएगी गरम गरम पे। तो इस बचे हुए मिक्स से देखिए मैंने रेवड़ी बना के तैयार कर ली हैं। रेवड़ी को सेट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। और ये देखिए पट्टी देखिए आप मेरी कितनी बढ़िया बनी हुई हैं, और ये पूरी तरह से सेट हो चुकी है। आप इनको अभी खा सकते हैं। किसी भी एयरटाइट डब्बे में डाल के आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, जितने लंबे टाइम के लिए चाहें स्टोर कर लें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, बस आपको मॉइस्चर का ध्यान रखना है। अगर ये मॉइस्चर थोड़ा सा भी इनमें आ जाता है तो ये थोड़ी सी फिर सीली सीली हो जाती हैं, क्योंकि ये गुड़ से बनी है। रेवड़ी पट्टी दोनों ही बनके तैयार हो गई है। एक रेवड़ी मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, ये कितनी सुंदर लग रही है छोटू सी देख के ही। तो दोस्तों कैसे लगी आप सभी को आज की ये दोनों रेसिपी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।